ठीक है, रात के मेरे पास दो टाइप की रोटी बची हुई है, एक तो बाजरे की है और एक ये गेहूं की है। ऐसे गोल मटोल से बाजरे के बिना फटे बनाना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्रचार कर दिया मैंने। और ये सारी रोटी अपन लेंगे, बीन्स लेंगे और इसका ये आगे वाला और पीछे वाला ऐसे बराबर करके और आगे वाला पीछे वाला पार्ट कट करेंगे, क्योंकि ये देखिए आपको चोंच से थोड़ा सा ही वेस्ट पार्ट होता है। आप चाहो एक एक भी तोड़ सकते हो, और जैसे मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ ज़्यादा वेस्ट नहीं होती ऐसे भी। और ऐसे करने से क्या है कि बहुत सारे बीन्स अपन जल्दी से साफ कर लेते हैं और इन्हें ऐसे छोटी छोटी साइज में कट कर लेंगे। बीन्स मैंने यहाँ पर सारे कट कर लिए है और यहाँ पर पत्ता गोभी को भी ऐसे छोटी छोटी साइज में कट कर लिया है। ऐसे आपको पत्ता गोभी छोटी छोटी साइज में कट कर लेनी है। मैंने सलाद वाले टमाटर लिए हैं, ये बिल्कुल भी खट्टे नहीं होते हैं, आप गोल टमाटर भी ले सकते हो। और ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये हल्दी के गाँठ ले रही हूँ और इसे ग्रेट करेंगे। आपके पास हल्दी पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन क्या होता है सर्दियों में ये हल्दी की गाँठ आती है तो मैं ये ले रही हूँ और ये डायरेक्ट ग्रेट करती हूँ, इसे और टेस्टी लगती है। और इसे ग्रेट कर लेंगे। कर लेने के बाद इसमें एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और हाफ चम्मच और, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगेगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आपकी रात की बची हुई है तो बस इन्हें थोड़ा सा ही भिगोना है, ये पहले से सॉफ्ट से थोड़ी सी नरम सी रहती है। हाँ बहुत ज़्यादा टाइट है आपको तो थोड़ा सा इसे पानी में इन्हें डाल देंगे 5-10 मिनट के लिए, और इनके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे जितने अपन खाते हैं ना उस साइज के छोटे छोटे टुकड़े। और एक साथ बहुत सारे करना चाहते हो तो ऐसे करना है आपको, और फिर ऐसे तोड़ना है तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे इनके। इसे गैस ऑन करके एक अपन बर्तन में ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अपन रोटी के रेसिपी बना रहे हैं, रोटी ऑयल सोख लेती है, और थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना तो ये और टेस्टी बनेगी। और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, तेल जैसे गर्म होगा इसमें जीरा डालेंगे और ये जो बीन्स पत्ता गोभी अपन ने कट की है वो इसमें डालकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। देखिए बीन्स गोभी फ्राई हो चुकी है, अभी ये टमाटर इसमें डाल देंगे और इन्हें भी मिक्स करके पकाएंगे। और यहाँ पर गोभी मैंने बॉईल करने के लिए छड़ा दी है, नमक डालकर आप गोभी बॉईल कर लीजिएगा। ये देखिए अपना मसाला पक चुका है, इसमें अपन पानी डालेंगे और इसमें एक बार उबाल आने देंगे। जैसे इसमें उबाल आएगा ये थोड़ा सा मैं गर्म मसाला ऐड कर दी हूँ, मैं लहसुन ऐड करेंगे, ये गोभी जो बॉईल की है वो सारी ऐड कर देंगे। और जो ये आलू साथ में मैंने पहले बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करना नहीं दिखाया, ऐसे आपको आलू भी बॉईल कर लेना है, टेस्टी लगते हैं। और ये सारे आलू गोभी इनको भी मिक्स करेंगे और इनमें हल्का सा उबाल आएगा तो ये देखिए थोड़ी सी मैंने मक्के की रोटी भी ली है, एक मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, जो भी आपके पास रोटी हो पूड़ी भी आप ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, सारी रोटियाँ इन्हें मिक्स करेंगे एक बार। और ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, अपन ने वेजिटेबल बीन्स वगैरह भी डाली है तो ये हेल्थी भी होगी। और अब नीचे से गैस बंद कर देंगे और ऊपर से डालेंगे ये हरा धनिया, चटकारे मार मार के खाएंगे। बच्चों को आप टिफिन में भी पैक करके दे सकते हो, ट्रैवलिंग टाइम में भी ले जा सकते हो, बड़ा ही मज़ा आता है। सॉस के साथ खाइए, ऐसे सिंपल भी खाएंगे ना तो भी आपको मज़ा आ जाएगा, तो ना तो सब्जी बनाने की जरूरत पड़ी ना और कुछ, और रात की जो बची हुई रोटी है वो भी